गुड मॉर्निंग गाइज। तो क्या बोल दीपावली, मैं आज जाने वाला हूँ कोपर गाँव, उसके लिए मैं रेडी हो रहा हूँ। रेडी होने के बाद मैं जाऊँगा कुछ खाना। मैंने बाल मुगान फ्रेश व्रेश कर लिया है और खाना खा कर अभी आया है। अब मैं इसको उतार कर अभी दूसरा शर्ट पहन रहा हूँ। शर्ट पहनने का एक नया भी चाहिए। पहले पूरे बटन को लगा लो, उसके बाद टी शर्ट की तरह इसको पहन लो, नहीं तो ऐसे भी करके पहन सकते हो। हम जैसा मन करे वैसा पहन सकते हो, मना थोड़ी ना किसी ने किया है। पहन लिया, अब मैं बाल सुखूंगा। तो बाल कैसे सुखाया तुम बताओ। ऑयल मैंने लगा लिया, चिपचिपा चिपा ऑयल है एलमंड ड्रॉप, जिससे माथा थोड़ा हल्का रहता है, सर तो भारी हो जाता है। भारी से नहीं होता है, जितना है दिमाग है 1400 ग्राम का तो उतना तो रहेगा ही। प्लस में आँख दांत नाक मुँह कान सब इसी पर है। बाल है 250 ग्राम, 250 नहीं 150-200 ग्राम का बाल भी होगा। देखो कितना लंबा लंबा, देखो कितना लंबा लंबा बाल है। और ईयर के वजह कितना रहे थे मां, देखो बाहर जाते हैं तो हमारे सर के ऊपर बहुत ज़्यादा ईयर रहता है, जो ईयर का प्रेशर है, जानते हो कि वॉल्यूम होता उसका होता है, जो ईयर का प्रेशर, वो हमारे सर पे लगभग लगभग 4 kg के आसपास रहता है हमारे सर के ऊपर ईयर, जो पूरा अर्थ से लेकर के एटमोसफियर तक रहता है। मेकअप का ज़्यादा सेटिंग नहीं है, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, समझा ना। देखो नॉर्मल सा है, और ये रहा मेरा कॉम, इससे मैं इसको कंघे बोलते हैं, कंघा। और देखो ये ऐसा स्टाइल किसा लगा, नहीं अच्छा लगा। आई डोंट स्टाइल, आई लाइक ऐसे करके, ऐसे 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 वाला ऐसा सोचूंगा तो मम्मी जान गई तो पीटी। तो मैं इसको फैन देखो गाइस, अच्छा लगा नहीं लगा नहीं ना। तो गाइस गोई गोई चलेगा ऐसा लगा गया, अच्छा लगा। थोड़ा स्टाइल कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, इसे तो लड़कियाँ गाली देगी बहुत ज़्यादा, लड़कियाँ गाली देगी ना। गुड लगा, आई थिंक बेटर। गुड चलेगा यार, चलेगा। पूरा मेरे को गड़बड़ लग रहा है, ये चलेगा करेक्ट। अब इससे ज़्यादा नहीं और नहीं, और मैं चीज और दिखा दूँ। देखो अब जूता पहनना पहनता हूँ, बहुत ज़्यादा बदबू दे रहा है। अरे यार शर्ट पहनने में यही प्रॉब्लम होता है, पता ही नहीं चलता है कि ये लेफ्ट का है या राइट का। कोई बात नहीं, किसी में भी पहनना चलेगा, पहनना ही ना, चाहे ऊपर से जल्दी पहन लो या फिर चड्डी ना, ऐसा नहीं है, रूल बाय रूल सब चीज करना रहता है। अरे यार मैं भी ना क्या बताऊं, ये वो अलग है, अभी डांस करते तेरे कोई गाना पर कोई अगर ताले में जा रहा तो सारे करंट लगा। पैंट मैंने चेंज करना भूल ही गया यार, कोई बात नहीं, सॉक्स पहनने के बाद मैं पैंट चेंज कर लेता हूँ। सॉक्स पर और अच्छा से पैंट के अंदर चल जाता है। देखो गाइस अगर तुम्हारा जो पैंट रहता है ना वो टाइट होगा, वो अगर पैंट के अंदर नहीं जाएगा ना, तो उसके लिए तुम क्या करते हैं, पॉलिथीन होता है उसको पैर में पहन लेना, उसके बाद मना करेगा तो आराम से चला जाता है इजीली।
लिया गाइस मैंने हाईली गाइस मैंने पेन पहन लिया हूँ, अब मैं बेल्ट पहनने वाला हूँ। आप लोगों को क्या लगता है पता होगा कहीं से ना किसी ना अपना गर्लफ्रेंड ऐसे ले आई थी तो वीडियो बनाई जो मैं आ जा रहा हूँ सेक्स करने अगर यहाँ से अगर गर्लफ्रेंड के ना जो बाग मादर चोर इट्स जोक ब्रो गाइस जोक ऊपर आया किया के पहुँचा रहे इधर ज़्यादा नहीं हो रहा है यार, वीडियो लंबा हो जाएगा ऐसे में, फिर वहाँ जाएंगे ऐसे वीडियो बनाएंगे 5-10 मिनट का लगेगा ही, रूम में इतना देर का बन गया, फिर अपलोड करने में डाटा लग जाएगा बहुत ज़्यादा, डाटा खरीदना पड़ेगा। अच्छा से निकाल लेते तो राहुल के ना देखो 80,000 का जूता है, 80,000 का इसमें तू भी बिक जाएगा, तेरा घर भी। ये डायलॉग किसका है? ये डायलॉग है MC Stan, इंडिया का मोस्ट पावरफुल बंदा जिसने छपरीस चालू किया था। और ये तो कैसा है इंस्टाग्राम पे उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बना लिया इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा लाइक। उसने बिग बॉस 22-23 का शायद बिग बॉस जीता था, उसके बाद उसको वो लाइव गया था, ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट के लाइव गया था इंस्टाग्राम पे। उसका जो व्यू आया गाइस 5 लाख प्लस, वो भी एट द टाइम MC Stan के विवाद लाइव, बहुत तगड़ा व्यू आया था। इंडिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल जब अभी तक का सबसे ज़्यादा मोस्ट व्यूअर वीडियो उसी का है। रे सबको बता रहे राइस्टर आजू भाई ये वीडियो कर देखिए, अरे वाइट पीपल फोन के हो गया, अरे सब अपना अपना जगह पर तगड़े हैं। अरे दोनों में चलो गाइस मैं रेडी हो गया, रेडी हो रहा हूं, सब कुछ नहीं हो रहा सामने में, ऐसा सब चले कि तू सब चुपचाप खाली चल दो ना, बोल ना बाल का हेयर स्टाइल थोड़ा खराब हो गया ना, इसीलिए मेरे को गुस्सा आता रहता है। कोई बात नहीं, लड़की कोई नहीं पटेगी तेरे से, कोई बात नहीं है, समझा ना, तेरे से नहीं तू हेयर स्टाइल छोड़ दे। गाइज रेडी हो गया, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है, पैसा 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 जहाँ जाओ तहाँ पैसा, कहाँ से लाएंगे पैसा ये बता, कोई बात नहीं है। कितना रुपया होते 300 होते, 300 रुपया होगा, 300 रुपया में तो कुछ भी नहीं होगा यार, जाने का भाई बोले से मारो ना ऐसी जूता। तो गाइज 10-20 रुपया जाने का, 20 रुपया आने का, 40 रुपया, और प्यास लगेगा तो पानी पियेंगे उसका भी 20 रुपया, तो 60 रुपया, फिर मन होगा तो फल फूल लेंगे खाने के लिए तो उसका लेंगे 30-40 रुपया के, तो हो जाएगा वही 60-30-90, मान के चलो 100 रुपया इधर नॉर्मली खर्चा, बाकी बचा 200 रुपया, तो 200 रुपया को क्या करेंगे, 200 रुपया को रिचार्ज कराना है, रिचार्ज मेरा ख़त्म हो गया है, 199 के करा लेंगे 1 GB वाला, गरीब आदमी है क्या करें यार। उसके बाद फिर जाते हैं घूम घूम के आते हैं, उसके बाद बतलाएंगे क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। तो सब जल्दी से रेडी हो रहे,
देख गाइस, मैंने एक सुबह में एक वीडियो डाला था मेरे दूसरे चैनल पे, उस पर मैंने वो बचपन का अपने बचपन की कहानियों का वीडियो बनाकर डाला था कि मैं बचपन में कैसा था, क्या करता था, क्या नहीं, वो एकदम धांसू वीडियो उस पर जाकर देखो। नहीं तो यार ये मेरा फेसबुक पेज है, उस पर जाकर देखो। फेसबुक पेज पर मेरा नाम नंटून इन है, फेसबुक पेज का नाम। उस पर सर्च करेंगे उस पर भी मेरा वीडियो रहता है, सारा वीडियो उसी पर भी रहता है। और नहीं तो यूट्यूब पर जाओगे तो यूट्यूब पर मेरा दो दो चैनल है, लेकिन मैं सही से काम कोई भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं जाऊँगा अरे ना ना हो देखी नहीं क्या बोलते आई यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फिगर, इसका फिगर निकल रहा है। दिस फिगर इज नो एज फकिंग, व्हाट इज फकिंग, फकिंग इज द नो एज गन रोस्ट गाली देने लगता है बहुत गंदी बात है। वैसे गाली तो मैं भी देता हूँ, वो देता हूँ तो अलग बात है, वो मैं उसके करतूत पे देता हूँ। और ऐसे तो मैं वाली ग्यारह मिनट बचा। अब जाऊंगा तब उसके बाद वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद डालूंगा फिर से। तो चलो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मैं अभी के लिए बस इतना ही, मैं जाऊंगा उसके बाद फिर मैं फिर से बनाकर डरा लूँगा। जब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू, टेक केयर।